तो अगर आप यही कर रहे हो, पूरी जिंदगी आपने यही किया, तो क्या एक रोबोटिक लाइफ नहीं है? कि आपकी ब्रेन के अंदर कुछ फीड कर दिया, उसके हिसाब से आप एक्ट कर रहे हो। दिस इज नॉट लर्निंग एट ऑल। मैं उस लर्निंग की बात ही नहीं कर रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप मेरे सेशंस भी ऐसी देख रहे हो, देखते तो हो, आदत वही पड़ी हुई है। अलग देखोगे कैसे जब तक समझोगे नहीं व्हाट इज लर्निंग? क्या लगता है, मैं अपनी मेमोरी से बोल रहा होता हूं या कहीं और से बोल रहा होता हूं? पकड़ पाते हो इस चीज को? जिस तरह से मैं बोल रहा होता हूं उसमें और दुनिया जिस तरह से बोल रही होती है उसमें कुछ फर्क नजर आता है? Yes. क्या फर्क नजर आता है? मैं मेमोरी से बोल रहा हूं या कहीं और से बोल रहा हूं? वर्ड्स तो मेमोरी से आ रहे हैं। ये जो वर्ड्स के अंदर जगलिंग चल रही है वो तो मेमोरी से आ रही है, लेकिन जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं क्या वो मेमोरी से आ रही है? आई एम जस्ट सीइंग थिंग्स एज इट इज एंड जस्ट यूजिंग मेमोरी टू से इट टू यू। दोनों में फर्क समझ आया? किस तरह से रियलिटी को देखना और समझना ही लर्निंग है, रियल लर्निंग ऑफ व्हाट लाइफ इज। अब गड़बड़ क्या होती है, इस लर्निंग को भी लोग लर्न कर रहे हैं मैकेनिकल वे में, यानी बुक्स के थ्रू। तो आप अगर 50 अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो 50 में अलग अलग बात करी जाएगी लाइफ के बारे में। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे उस बुक में वो लिखा है, वहां पर वो, 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 कंफ्यूज हो जाओगे। तो क्या ये लर्निंग किसी काम की है? लर्निंग कब है काम की? जब वो लर्निंग कंफ्यूजन को खत्म कर दे पूरी तरह से, दैट इज रियल लर्निंग। आपको पता कैसे लगेगा कि लर्निंग सही हो रही है नहीं हो रही है? जब कोई कंफ्यूजन नहीं है, माइंड बिल्कुल क्लियर है। अब वो माइंड क्लियर कैसे होगा? क्या बातों से होगा? समझना किसे कहते हैं? एक दो तरीके हैं मेरे सेशंस को देखने के। अब मैं बिल्कुल पॉइंट पे आ रहा हूं कि अभी तक भी पॉइंट पे था वैसे। एक तरीका आपके पास में एक ऑप्शन ये है कि उसको देखो एनर्जी के लिए, मजा आता है, मूड अच्छा हो जाता है ना, एक थ्रिल है, कुछ अनसर्टेनिटी है, जहां भी अनसर्टेनिटी होती है वहां पे बड़ा मजा आता है। इसीलिए लोगों को नौटंकी देखने में बड़ा मजा आता है, मूवीज देखने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी है। तो मेरी बातों में अनसर्टेनिटी है, इसलिए आपको मजा भी आता है। क्यों? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है मैं क्या बोलने वाला हूं। तो आप भी बिल्कुल एज पे बैठे हुए हो और मैं भी एज पे हूं। एक तरीका तो ये है, इन सब चीजों से आप इंप्रेस हो जाओ कि आप देख रहे हो, ओ बढ़िया है जी, बढ़िया है, जो भी कह रहा है इसके लिए बढ़िया, हमारे लिए नहीं है। मतलब आपको मजा तो आ रहा है, देख समझ कुछ नहीं आ रहा है, तो दिस इज नॉट लर्निंग। दूसरा क्या है, अब आपके अंदर इंटरेस्ट आया कि चल यार एक बार बातों को भी ना सुन करके देखता हूं, देखती हूं, क्या पता मेरी भी लाइफ चेंज हो जाए, क्या पता मेरे को भी बहुत सब कुछ बढ़िया हो जाए, है ना। जब देखती हूँ तो बड़ा अच्छा फील होता है, अब क्या पता इन बातों को अगर मैं प्रैक्टिस में लाऊं तो और बढ़िया कुछ हो जाए। सुन करके मेरी बातों को अपनी मेमोरी में फीड कर दिया, ब्रेन के अंदर फीड कर दिया, जैसी कोई सिचुएशन आई, अब उस मेमोरी के थ्रू जो आपने सुना था और जो सुन करके समझा था, समझा कैसे मेरी बातों को? जो आपकी एग्जिस्टिंग समझ है उसी के बेस पे तो समझा। हो सकता है मैं बात ही कुछ और कर रहा हूं, क्योंकि मेरे जो सेशंस हैं वो इस मैकेनिकल वे ऑफ लिविंग के लिए है ही नहीं, बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट मैकेनिकल वे ऑफ लिविंग। एक मशीन है, उसको ऑपरेट करने का तो एक मैनुअल हो सकता है, लाइफ को ऑपरेट करने का कोई मैनुअल नहीं है, क्योंकि वहां पे एक तरह से काम नहीं होता है। देर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैक्टर्स विच आर देयर। आप मेरे से पूछ नहीं सकते आकर के कि भाई मेरे जो पेरेंट्स हैं उनसे मुझे प्रॉब्लम है तो इसका क्या सोल्यूशन है। इसके अंदर कितने फैक्टर्स हैं? आप ये तो पूछ सकते हो कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट करूं, वो मैं आपको बता सकता हूं। हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, हाउ टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स, बताओ मैं क्या जवाब दूंगा आपको? मुझे पता है आपके पेरेंट्स कैसे हैं, मुझे पता है आप कैसे हो, कितने नीच प्राणी हो आप, या दिखा कुछ और रहे हो, अंदर से कुछ और हो। तो आपको कौन जानता है? आपकी जो सच्चाई है या आपके घर की सच्चाई है या जो भी कुछ है उसको कौन अगर जान सकता है तो कौन जान सकता है? आप खुद ही जान सकते हो। एक बात पक्की है, मैं तो नहीं जान सकता। तो मैं आपको क्या सोल्यूशन दूंगा? आपको मुझसे मैकेनिकल सोल्यूशन चाहिए उस प्रॉब्लम का जो मैकेनिकल है ही नहीं। लाइफ इज नॉट मैकेनिकल। लाइफ में तो कहीं से भी कुछ भी हो रहा होता है ना। तो ये जो लर्निंग है, मैकेनिकल वे ऑफ लर्निंग बाय वॉचिंग माई सेशंस, इट वॉन्ट वर्क। इससे कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा, आप और कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा लगेगा, आपकी ईगो भर जाएगी,